Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to talk about Greek philosopher Plato. So, Plato lived in a time of political decline. कि प्लेटो जो है ग्रीस में उस समय पर रह रहे थे जिस टाइम पर ग्रीस की पॉलिटिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी. सो उस टाइम पर जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी क्योंकि वहाँ के लोग जो है ओलिगार्ची रूल को फॉलो करते थे. एंड धीरे धीरे क्या होता था कि ओलिगार्ची से शिफ्ट होकर जो है लोगों ने मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का रूल जो है इस्टेब्लिश कर दिया था. सो फिर क्या हुआ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी से फिर से मतलब उन्होंने जो है ओलिगार्ची को फिर से इस्टेब्लिश कर दिया. सो इससे क्या हुआ, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होने लगी. सो तभी जो है प्लेटो रहा करते थे जब पॉलिटिकल कंडीशन ग्रीस की इतनी अच्छी नहीं थी. दिस वॉज द टाइम ग्रीस वॉज रूल्ड बाई सोशल एलाइट पीपल, कि ये वो टाइम था जब ग्रीस में जो है लोगों का हाई क्लास सोसाइटी के लोग जो है ग्रुप में एक साथ मिलकर जो है ग्रीस को रूल करते थे. एंड इनसे नीचे यानी लो स्टेटस के लोग जो है इनके रूल्स को फॉलो किया करते थे. एंड फिर ओलिगार्ची से धीरे धीरे ग्रीस में जो है रूल जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट हो रहा था. देन बिफोर प्लेटो स्टार्टेड राइटिंग ऑल ब्यूटिफुल ड्रामेटिस्ट एंड पोइट्स वर राइटिंग अमेजिंग वर्क्स, कि प्लेटो जब लिखने लग रहा मतलब जब उन्होंने लिखने की शुरुआत की थी, सो उस उनके लिखने से पहले भी बहुत सारे ड्रामेटिस्ट और पोइट्स ऐसे थे कि उन्होंने भी जो है ग्रीस में बहुत सारे अमेजिंग वर्क्स को जो है प्रोड्यूस किया था. एंड प्लेटो के टाइम पर क्या हुआ कि जो क्लासिकल टाइम था, सो क्लासिकल टाइम वो टाइम था जब ग्रीस के अंदर बहुत सारे अमेजिंग लिटरेरी वर्क्स जो है प्रोड्यूस हुए थे. सो प्लेटो के टाइम पर क्या हुआ कि अब जो है क्लासिकल टाइम जब अमेजिंग लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस होते थे ग्रीस में, अब वो टाइम जो है ओवर हो गया प्लेटो के टाइम पर. सो दिस पर्टिकुलर क्लासिकल टाइम व्हेन अमेजिंग लिटरेचर वाज प्रोड्यूस इन ग्रीस वाज ओवर. देन लिटरेचर ट्रीटेड एज इमोरल, करप्ट, डीजनरेट एंड इट वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हॉस्टाइल क्रिटिसिज्म, कि लिटरेचर जो थी उसे इमोरल समझा जाने लगा था, करप्ट समझा जाने लगा था. और कहीं ना कहीं लोग ऐसे सोचते थे कि मतलब जो भी लिटरेचर में जिस भी चीज़ को पोर्ट्रे किया गया है वो बिल्कुल भी डिसऑनेस्ट चीज़ है, यानी बिल्कुल भी उस बात में सच्चाई नहीं है. सो लोग ऐसा सोचने लगे थे लिटरेचर के बारे में. देन साथ ही साथ क्या हुआ, लिटरेचर जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया लोगों के बीच, मतलब लोग जो है इसे हॉस्टाइल क्रिटिसिज्म का एक ऑब्जेक्ट समझने लगे थे जिसमें एक दूसरे राइटर्स जो है एक दूसरे के वर्क्स को क्रिटिसाइज़ किया करते थे. देन पीपल वर क्रिटिसाइजिंग लिटरेचर, अब लोगों ने क्या किया, लिटरेचर को जो है क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया. देन फिलोसफर्स वर क्रिटिसाइजिंग पैसेजेस इन होमर्स वर्क, कि फिलोसफर्स ने अब क्या किया कि होमर के वर्क में जितने भी पैसेजेस थे उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, कि जहाँ पर वो जो है ये हाईलाइट करते थे होमर के वर्क में कि होमर जो है गॉड को अनफेवरेबल लाइट में शो करने की कोशिश कर रहा है. देन फिलोसफर्स वर सेइंग दैट ड्रामा, पोएट्री, दे आर रियली डेंजरस फॉर द सोसाइटी, कि अब फिलोसफर्स का ऐसा कहना था कि जितने भी लिटरेचर के अंदर ड्रामास, पोएट्रीज़ का प्रोडक्शन होता है ये सारा जो है सोसाइटी के लिए मतलब डेंजरस है, ख़तरनाक है. दे आर करप्टिंग, पोर्ट्रेइंग गॉड इन एन अनफेवरेबल लाइट, कि इससे क्या होता है लिटरेचर के थ्रू जो है लोग करप्ट बनते जा रहे हैं एंड इसके थ्रू जो है गॉड को अनफेवरेबल लाइट में दिखाया जा रहा है, मतलब जिस वे में गॉड को दिखाया जाना चाहिए उस वे में नहीं दिखाया जा रहा था. देन People stopped looking at God with a sense of awe, कि अब जो है पहले क्या होता था कि भगवान से लोग जो है डरा करते थे, मतलब उनको जो है प्रे करते थे कि मतलब आगे जो है उनकी फ्यूचर लाइफ जो है सक्सेस रहे. बट अब क्या हुआ था कि लिटरेचर के थ्रू जो है लोगों ने इस तरह से गॉड को देखना शुरू कर दिया कि मतलब गॉड के अंदर जो है बहुत सारे फ्लॉज हैं यानी फॉल्ट्स हैं. सो इस तरह से जो है अब लोग देखने लगे थे गॉड को. फिलोसफर्स वर अगेंस्ट लिटरेचर, कि अब जो है फिलोसफर्स जो थे कम्प्लीटली अगेंस्ट थे लिटरेचर के, क्योंकि लिटरेचर जो है लोगों के अंदर जो है डिसऑनेस्टी पैदा कर रही है, उनको करप्ट बना रही है, उनके वैल्यूज़ को जो है डीजनरेट कर रही है. देन
Plato was writing courage, heroism, magnificence, these were considered as most prized virtue. कि मतलब Plato जो है अपने works में अपनी writings में जो है courage यानी साहस के बारे में लिखता था, heroism की qualities के ऊपर लिखता था, then magnificence यानी शानदार चीज़ों के बारे में लिखा करता था, एंड इसे जो है Plato के अकॉर्डिंग जो है कंसिडर किया कर जाता था कि ये सारी चीज़ें जो है courage, heroism, magnificence ये सारी जो है प्राइज्ड वर्च्यूज़ है यानी प्राइज्ड क्वालिटीज़ है. देन Plato lived in a turbulent era in ancient Greece. कि मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि Plato जो है मतलब ग्रीस में उस टाइम पर रह रहे थे कि मतलब जिस टाइम पर जो है पॉलिटिकल कंडीशन इतने अच्छी नहीं थी, बार बार जो है मतलब रूल जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी से शिफ्ट होकर ओलिगार्ची में हो जाता और फिर ओलिगार्ची से फिर से डायरेक्ट डेमोक्रेसी से मतलब शिफ्ट हो जाता, तो इससे क्या हो रहा था, इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही थी. सो देयर वाज अ बैक एंड फोर्थ शिफ्ट बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्ची. Plato does not like direct democracy. कि Plato को ऐसा लगता था कि direct democracy का rule जो है ग्रीस के अंदर अगर उसे मतलब implement करना चाहिए तो वो rule सही नहीं है direct democracy का. Because it is democracy that killed his beloved teacher Socrates. कि मतलब democracy की वजह से उनके teacher मतलब जो उनके beloved teacher Socrates थे, so इसी direct democracy की वजह से जो है उनको मार दिया गया. Then Plato favored oligarchy. कि मतलब Plato जो है उनके अकॉर्डिंग oligarchy का रूल अगर ग्रीस में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए तो वो सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कुछ लोग जो है रूल कर सकते हैं और बाकी कुछ लोग जो है उनके रूल को बनाए गए रूल को फॉलो करते हैं. देन अब हम बात करते हैं Plato की लाइफ के बारे में. सो ही वॉज स्टूडेंट ऑफ Socrates. कि Plato जो थे वो स्टूडेंट थे Socrates के. देन Plato जो थे टीचर थे एरिस्टोटल के, इसलिए बोला जाता है मास्टर ऑफ एरिस्टोटल. मैं फिर से इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी कि Plato जो थे वो स्टूडेंट थे Socrates के, बट Plato जो थे टीचर थे एरिस्टोटल के. एंड ही वॉज अ फिलोसोफर बॉर्न इन ग्रीस 428 BC. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि Plato कौन थे, एक फिलोसोफर थे जिनका जो है ग्रीस में बॉर्न हुए थे 428 BC में. देन He was born in a family politically and socially quite strong. कि मतलब Plato का जो है उस घर में उस फैमिली में जो है इनका जन्म हुआ था जो कि ऑलरेडी पॉलिटिकल और सोशल स्फीयर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी. देन ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ Socrates. कि मैंने बताया था कि Plato जो थे शिष्य थे यानी स्टूडेंट थे Socrates के. ही वॉज डीपली हर्ट व्हेन Socrates वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर करप्टिंग यूथ एंड फेलिंग टू ऑब्जर्व गॉड. कि मतलब कि इनको जो है काफ़ी ज़्यादा ये जानकर बहुत ज़्यादा दुखी हुए ये जब इन्हें ये पता चला कि इनके बिलवेड टीचर जो कि Socrates है उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया है, क्योंकि मतलब लोगों के अकॉर्डिंग Socrates क्या कर रहे थे, मतलब यंग जनरेशन को जो है करप्ट बना रहे थे. ऐसा लोगों का सोचना था कि Socrates जो है Socrates के आइडियाज़ व्यूज़ जो है यंग जनरेशन में गलत मैसेज मतलब क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको मतलब लोग ये भी सोचते थे कि कहीं ना कहीं यंग जनरेशन जो है इससे करप्ट हो रही है, और साथ ही साथ जो है Socrates जो है जिस वे में गॉड को ऑब्जर्व करना चाहिए उस तरीके से जो है Socrates मतलब गॉड को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे. सो इस वजह से जो है Socrates को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, जिसके कारण उनके मतलब डिसाइपल को Plato को बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट फील हुआ. देन After death of Socrates, Plato founded a school known as Academy. कि Socrates के मरने के बाद Plato ने एक स्कूल को मतलब फाउंड किया था जिसका नाम है Academy, in which people would study wide range of subjects. कि जिसके अंदर इस Academy स्कूल के अंदर बहुत सारे subjects को जो है पढ़ाया जाता था अलग अलग instructors द्वारा, जैसे कि mathematics, astrology, philosophy, इन subjects के बारे में जो है पढ़ाया जाता था लोगों को स्टूडेंट्स को. ही बिलीव्स दैट दिस सिस्टम गोइंग टू लीड टू सोशल प्रोग्रेस. कि उनका Plato का ऐसा सोचना था कि ये जो स्कूल सिस्टम है ये कहीं ना कहीं जो है हेल्प करेगा सोशल प्रोग्रेस में, सोसाइटी के प्रोग्रेस में काफ़ी मतलब हेल्प करेगा. बिकॉज अगर इनके अकॉर्डिंग ऐसा सोचना था कि ये जो स्कूल का सिस्टम है स्कूल के सिस्टम से क्या होगा, अगर लोग एजुकेट होंगे ये लोगों का जो एजुकेट होना है वो इस सोसाइटी के लिए वरदान होगा, और इसके थ्रू क्या होगा स्टेबल गवर्नमेंट भी क्रिएट होगी अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो. देन
वन ऑफ द प्रोमिसिंग स्टूडेंट एट द अकेडमी वॉज एरिस्टोटल. कि मैंने बताया कि प्लेटो जो थे वो टीचर थे एरिस्टोटल के, एंड उस अकेडमी में बहुत मतलब प्रोमिसिंग स्टूडेंट यानी लॉयल स्टूडेंट जो प्लेटो का रहा उनका नाम था एरिस्टोटल. सो एरिस्टोटल वॉज द डिसाइपल ऑफ प्लेटो. कि एरिस्टोटल जो थे वो स्टूडेंट थे प्लेटो के. आइडियाज़ एंड व्यूज़ ऑफ द प्लेटो बिकेम द बेसिस फॉर द वेस्टर्न फिलोसफिकल ट्रेडिशन. कि जो जो प्लेटो के आइडियाज़ हैं वो और साथ ही साथ व्यूज़ हैं प्लेटो के, वो वेस्टर्न फिलोसफिकल ट्रेडिशन के लिए बेस बन गए थे. बिकॉज इट वॉज प्लेटो और एरिस्टोटल हुज़ व्यूज़ वर लेटर यूज़ बाय द मॉडर्न राइटर. कि मतलब मॉडर्न राइटर्स ने जो है एरिस्टोटल और साथ ही साथ प्लेटो के व्यूज़ को जो है बाद में मतलब मॉडर्न राइटर्स ने जो है इनको यूज़ करना शुरू कर दिया था. सो वेस्टर्न फिलोसफिकल मॉडर्न राइटर्स ने जो है प्लेटो और एरिस्टोटल के व्यूज़ और आइडियाज़ को बेस बनाकर जो है बाद में मॉडर्न टाइम्स में इन्हीं के व्यूज़ और आइडियाज़ को यूज़ किया. और साथ ही साथ जो है इनके आइडियाज़ के अंदर वो कुछ नया लेकर आए. दे एडेड न्यू थिंग्स इन देयर व्यूज़ एंड मेड न्यू थ्योरीज. और साथ ही साथ जो है मॉडर्न फिलोसफर्स ने क्या किया मतलब उनकी फिलॉसफीज़ में जो है कुछ नया ऐड करके जो है नई थ्योरीज़ को क्रिएट करना शुरू कर दिया. द बेस वॉज गिवन बाई एरिस्टोटल एंड प्लेटो. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि मॉडर्न राइटर के जो वर्क्स लिखे जाते हैं सो वो जो है एरिस्टोटल एंड प्लेटो के वर्क्स के बेस पर जो है नए वर्क्स का क्रिएशन होता है. होमर वॉज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन प्लेटो. कि होमर के जो वर्क्स हैं उसको जो है ज़्यादा मतलब उनके वर्क्स को होमर के वर्क्स को जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया मतलब प्लेटो ने. सो होमर वॉज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन प्लेटो. कि कहने का मतलब ये है कि होमर का जो वर्क है उससे जो है प्लेटो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए. इन ग्रीक सोसाइटी स्कूल्स वर बिल्ड अराउंड 387 BC. कि ग्रीक सोसाइटी में स्कूल्स जो है बनने लगे थे 387 BC में. फॉर द टाइम इन ब्रिटेन स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्प्रेड अक्रॉस अराउंड 1180. कि ब्रिटेन में क्या हुआ अब स्कूल्स और कॉलेजेस जो है मतलब उनका क्रिएशन इस्टेब्लिशमेंट होने लगा था 1180 में. देन मेजर वर्क्स ऑफ प्लेटो. अब हम बात करेंगे मतलब मेजर वर्क्स जो कि प्लेटो द्वारा लिखे गए हैं. सो प्लेटो रोट प्री डोमिनेंटली इन द स्टाइल ऑफ डायलॉग. कि प्लेटो के लिखने की स्टाइल क्या थी वो जो है डायलॉग की फॉर्म में लिखा करते थे वर्क्स को. द करेक्टर्स इन हिज राइटिंग वुड डिबेट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड एग्स. कि मतलब उनके मतलब प्लेटो की राइटिंग्स की करेक्टर्स जो है एक दूसरे से डिबेट करते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में एंड एग्जामाइन इट फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव. और साथ ही साथ उनके करेक्टर्स जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एग्जामाइन करते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से. दैट इज़ हाउ फिलोसफिकल आइडियाज़ पुट इन फ्रंट ऑफ द पीपल. और इस तरह से क्या होता है कि लोगों के सामने जो है फिलोसफिकल आइडियाज़ को रखा जाता है. देन स्कॉलर्स टिपिकली ऑर्गेनाइज प्लेटोज वर्क इन थ्री डिफरेंट एरियाज़. कि प्लीज़ रिमेंबर दिस कि मतलब प्लेटो ने जो है काफ़ी सारे वर्क्स लिखे हैं जिनको बाद के आए हुए स्कॉलर्स ने जो है अलग अलग एरियाज़ में प्लेटो के वर्क को जो है ऑर्गेनाइज कर रखा है. सबसे पहले अर्ली वर्क्स, सेकेंड इज़ मिडल वर्क्स, थर्ड इज़ लेट वर्क्स. सो इन अर्ली वर्क प्लेटो इज़ डायरेक्टली फोकसिंग ऑन लेसन्स विच ही हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम सॉक्रेट्स. कि अर्ली वर्क में जो है अपने सबसे अर्ली वर्क में प्लेटो जो है डायरेक्टली फोकस कर रहा है लेसन्स में उन लेसन्स में जो कि प्लेटो ने जो सॉक्रेट्स से इनहेरिट किए थे यानी सॉक्रेट्स से जो भी लेसन्स मतलब मैंने आपको बताया था कि प्लेटो जो थे वो स्टूडेंट थे सॉक्रेट्स के. तो फिर सॉक्रेट्स जो भी मतलब प्लेटो को सिखाते थे सो उन आइडियाज़ को जो है मतलब प्लेटो ने इम्बाइब करके उन लेसन्स पर फोकस किया जो कि इन्होंने सॉक्रेट से इनहेरिट किए थे. सो इन अर्ली वर्क्स प्लेटो इज़ डायरेक्टली फोकसिंग ऑन लेसन्स विच ही हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम सॉक्रेट्स. सो सबसे पहला वर्क जो कि अर्ली वर्क की कैटेगरी में आता है सो उस वर्क का नाम है अपोलॉजी. ही टॉक्स अबाउट आइडियाज़ गिवन टू हिम बाई हिज टीचर. कि इस अपोलॉजी वर्क में वो
प्लेटो जो है उन वर्क्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि प्लेटो को जो है उनके टीचर सोक्रेट्स ने दिए थे। सो सोक्रेट्स इज़ द मेन करेक्टर इन द वर्क्स ऑफ प्लेटो। कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सोक्रेट्स के मतलब प्लेटो के जितने भी वर्क्स है उसमें प्लेटो ने जो है करेक्टर, प्लेटो के जो मेन करेक्टर है, सो उन मेन करेक्टर को प्लेटो ने जो है सोक्रेट्स का नाम दे रखा है। सो सोक्रेट्स जो है मेन करेक्टर बनता है प्लेटो के वर्क्स का। देन सब्जेक्ट ऑल्सो सेंटर्स अराउंड द लेसन्स गिवन बाई सोक्रेट्स। जो भी प्लेटो की राइटिंग का सब्जेक्ट होता है वो भी मतलब सोक्रेट के दिए हुए टीचिंग्स पर जो है प्लेटो के जो मतलब सब्जेक्ट्स ऑल्सो सेंटर्स अराउंड द लेसन्स गिवन बाई सोक्रेट्स। कि कहने का मतलब ये है कि जो भी प्लेटो के वर्क का सब्जेक्ट होता है, मतलब जो भी मतलब सब्जेक्ट होता है यानी कोई भी टॉपिक जो होता है वो टॉपिक भी बेस्ड होता है सोक्रेट के लेसन्स पर। सो देर इज़ द करेक्टर ऑफ सोक्रेट्स एंड अदर पर्सन। कि मतलब प्लेटो के वर्क्स में हम देखते हैं कि सोक्रेट्स को जो है करेक्टर बनाया जाता है और साथ ही साथ जो है दूसरे लोगों को भी जो है करेक्टर बनाया जाता है। द अदर पर्सन इज़ चार्जिंग सोक्रेट्स। कि हम देखते हैं कि उन वर्क्स में, प्लेटो के उन वर्क्स में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि कोई मतलब अदर पर्सन जो है सोक्रेट्स को चार्ज कर रहा होता है एंड और वो क्या करता है, वो सोक्रेट्स के बिलीव्स को जो है डिफेंड करने की कोशिश करता है। द पर्सन इज चार्जिंग सोक्रेट्स इज डिफेंडिंग हिज बिलीव्स अगेंस्ट द चार्जेस लेट डाउन बाय द एथेनियन कोर्ट। कि कहने का मतलब है कि प्लेटो के वर्क्स में जो है सोक्रेट्स को एज अ मेन करेक्टर दिखाया जाता है एंड जो दूसरा पर्सन होता है वो सोक्रेट्स को चार्ज कर रहा होता है एंड साथ ही साथ उसके बिलीफ सिस्टम यानी सोक्रेट्स के बिलीफ और या फिर आइडियाज़ को डिफेंड करने की कोशिश करता है एथेनियन कोर्ट के अगेंस्ट। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन प्लेटो बीइंग अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स। कि प्लेटो जो थे बहुत अच्छे स्टूडेंट थे सोक्रेट्स के। वॉन्टेड पीपल इन द ग्रीक कल्चर टू नो दैट सोक्रेट्स वॉज नेवर अ बैड आइडिया। कि प्लेटो चाहते हैं अपने मतलब स्टूडेंट्स को ये बताना चाहते हैं और साथ ही साथ ग्रीक कल्चर के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सोक्रेट्स के आइडियाज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे अकॉर्डिंग टू प्लेटो। द पीपल ऑफ एथेंस हैड डन रियली बैड बाई एग्जीक्यूटिव हिम। कि प्लेटो का ऐसा कहना है कि एथेंस के लोगों ने बहुत बुरा किया मतलब सोक्रेट्स को एग्जीक्यूट करवा कर। देन इन द डिसगाइज ऑफ एपोलॉजी एक्चुअली सोक्रेट्स वॉज डिफेंडिंग हिमसेल्फ बाई शोइंग हिज बिलीव्स। कि मतलब ये जो वर्क है एपोलॉजी जो कि प्लेटो द्वारा लिखा गया है, इसमें जो है प्लेटो जो है मतलब एपोलॉजी के डिस्गाइज में जो है इसके थ्रू सोक्रेट्स के आइडियाज़ को दिखाया जा रहा है। सो इन द डिस्गाइज ऑफ एपोलॉजी एक्चुअली सोक्रेट्स वॉज डिफेंडिंग हिमसेल्फ। कि सोक्रेट्स जो है खुद एपोलॉजी के अंदर जो है अपने आइडियाज़ को डिफेंड करने की, बचाने की कोशिश करते हैं और अपने आइडियाज़ जो है लोगों को मतलब शो करते हैं, अपने बिलीव शो करते हैं और साथ ही साथ अपने आइडियाज़ के बारे में बताते हैं बाई टेलिंग पीपल वाई ही वॉज डूइंग वॉट ही वॉज डूइंग। कि मतलब लोगों को जो है ये भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों होता है, वाई ही वॉज डूइंग, कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और वॉट ही वॉज डूइंग और क्या करना चाहते हैं सोक्रेट्स। सो ये सब जो है डिस्गाइज ऑफ एपोलॉजी जो कि प्लेटो द्वारा वर्क लिखा गया है। सो इसमें जो है सोक्रेट्स के व्यूज़ को जो है डिफेंड किया जा रहा है। देन हम बात करते हैं सेकेंड वर्क की जो कि मिडिल एज वर्क है प्लेटो द्वारा लिखा गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका नाम है रिपब्लिक। दिस वर्क फोकसेस ऑन व्हाट मेक्स अ बेस्ट गवर्नमेंट। कि इस वर्क में ये फोकस किया गया है कि किससे जो है बेस्ट गवर्नमेंट फॉर्म होती है। दिस वर्क इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई द आइडियाज़ ऑफ सोक्रेट्स। कि ये भी ऐसा वर्क है जो कि सोक्रेट के आइडियाज से इंस्पायर्ड है। सोक्रेट्स थॉट दैट अ बेस्ट पर्सन कुड बी वन वुड नॉट जस्ट हु बिकम अ किंग। कि सोक्रेट्स के अकॉर्डिंग क्या था कि बेस्ट एक अच्छा इंसान वो नहीं है जो कि किंग बन गया, बट देर इज़ अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी विच इज़ फॉलोड बिफोर चूजिंग अ रूलर। कि एक अच्छी गवर्नमेंट अगर बनानी है यानी एक अच्छा इंसान वो नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ किंग बन गया हो। कि मतलब लोगों को क्या करना चाहिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए ताकि जो है एक अच्छा रूलर वो लोग अपनी
कंट्री के लिए चूज़ कर सकें। ऑल द सिटीजन्स मस्ट बी प्रॉपरली एजुकेटेड, सारे सिटीजन्स को जो है अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। दे शुड फोकस ऑन, उनके विजडम पर यानी इंटेलिजेंस पर फोकस किया जाना चाहिए, उनकी करेज यानी साहस पर, उनके अंदर जो है जस्टिस की फीलिंग्स हो और साथ ही साथ टेम्परेंस हो यानी वो उन्हें जो है मतलब संयम रखना यानी पेशेंस रखने की आदत होनी चाहिए और साथ ही साथ उन्हें एथलेटिक ट्रेनिंग भी देनी चाहिए एट द एज ऑफ 18। देन 2 ईयर्स ऑफ मिलिट्री सर्विस इज क्रूशल कि एक अच्छे गवर्नमेंट अगर बनानी है सो एक अच्छा रूलर अपनी कंट्री के लिए को रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए, तो उसने जो है 2 साल जो है मिलिट्री में सर्विस की होनी चाहिए और उसके साथ जो है 10 ईयर्स एजुकेटेड इन मैथ्स, 10 सालों तक वो मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ 5 ईयर्स एजुकेटेड इन डायलेक्टिक यानी लैंग्वेज की फील्ड में भी वो 5 सालों तक मतलब एजुकेटेड होना चाहिए। देन देयर शुड बी अ लॉट ऑफ डिबेट्स फोकसिंग ऑन रीजनिंग एंड लॉजिक कि बहुत सारे डिबेट करने की उसकी मतलब हैबिट होनी चाहिए, रीज़न और साथ ही साथ लॉजिक के थ्रू जो है उसे डिबेट करता हुआ आना चाहिए यानी रूलर को। एट द एज ऑफ 35 दी सिटीजन्स हु आर एजुकेटेड दे बिकम टीचर्स, 35 ईयर्स की एज में जो है इन सिटीजन्स को एजुकेट करने के बाद जो है टीचर्स बना दिया जाना चाहिए। एट द एज ऑफ 50 दे वुड बी रेडी टू लीड द कम्युनिटी कि 50 साल की एज में जो है इनको अपनी कम्युनिटी की जो है मतलब सोशल सर्विस में एंगेज हो जाना चाहिए, अपनी कम्युनिटी के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। फ्रॉम दीज अ सीनियर मेम्बर वुड बी चोजन हु बिकम फिलोसफिकल किंग, सो इन्हीं लोगों में से जो इन्होंने मतलब कंडीशंस बताई है सो इन्हीं में से जो है एक ऐसा सीनियर मेम्बर चूज़ किया जाना चाहिए जो कि फिलोसफिकल किंग बनने के लायक हो। सोक्रेट्स एंड प्लेटो बिलीव्स दैट ओनली अ पर्सन हु इज़ फिलोसफर कैन बी अ ग्रेट किंग कि मतलब सोक्रेट्स और प्लेटो का कहना था कि जो इंसान फिलोसफर है वही ग्रेट किंग बनने के लायक है। दे एम्फिसाइज दैट प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू द सिटीजन कि ये जो है इस बात पर एम्फिसाइज करते थे कि लोगों को जो है प्रॉपर सिटीजन मतलब सिटीजन्स को जो है प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। द बेस्ट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड टू रूल एज अ फिलोसफिकल किंग कि इन सारे कंडीशंस में से जो एकदम बेस्ट पर्सन हो उसे जो है फिलोसफिकल किंग अपॉइंट कर दिया जाना चाहिए। देन इनके जो लेट वर्क्स है उनका नाम है सो ये थर्ड वर्क जो प्लेटो द्वारा लिखा गया है उसका नाम है इयोन, फोर्थ वर्क जो प्लेटो द्वारा लिखा गया है उसका नाम है गॉर्जियस, फिफ्थ वर्क सिंपोजियम प्लीज़ रिमेंबर दिस सिंपोजियम, सिक्स्थ वर्क इज पेड्रस प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन सो ये सारे वर्क्स है, पहला एपोलॉजी है, सेकंड रिपब्लिक है, थर्ड वर्क इयोन है, फोर्थ वर्क गॉर्जियस है, फिफ्थ वर्क सिंपोजियम है, सिक्स्थ वर्क पेड्रस है। सो ये सारे वर्क्स जो है ये प्लेटो ने लिखे हैं। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस लेक्चर सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।